हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोज लाता हूं जिसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए और मार्केट का सेंटीमेंट क्या रह सकता है। इसके साथ साथ मुझे अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। जैसे कि भारतवार मैंने जिस दिन पोस्ट किया था उसके अगले दिन मार्केट ने लगभग 8 से 9% का मूव दे दिया, मतलब भारतवार के स्टॉक ने। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए टाइमली जो है कि बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि आपको पता चले कि कोई नया वीडियो आया हुआ है। प्लस इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर आईडी पर जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे क्या होगा कि मैं ये सब अपडेट्स पहले दे देता हूँ, बाकी स्टॉक्स की वीडियोस तो लगभग शाम को बनती हैं और मार्केट की वीडियोस शाम को बनती हैं, बट लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता हूं तो आप इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। सो इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपका वो लिंक ना काम कर रही हो तो सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो अगले दिन हम क्या ट्रेड कर सकते हैं जो कि मंडे होगा 27th of March, तो ये ट्रेड हम किस तरीके से वहां पर कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा। सो डेटा में फ्यूचर का वाई देखें अगर, तो फ्यूचर का वाई में मार्केट डाउन है प्राइस वाइज और ओपन इंटरेस्ट अप है। इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्ट बिल्ट अप हुआ है, तो शॉर्ट बिल्ट अप हुआ इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है कि नेगेटिव है। ऑप्शन चैन को देखें तो ऑप्शन चैन से हमें ये पता चलता है कि हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या रह सकता है। सो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट का वाई है और 17,000 पे ही कॉल का वाई है। अगर हम यहाँ पे चेंज को देखें तो 17,000 के कॉल में सबसे ज्यादा चेंज हुआ, इसका मतलब वहां पे नेगेटिव 17,000 के नीचे नेगेटिव रहेगा। ओके, और अगर हम 29 मार्च की देखें तो 29 मार्च के हिसाब से यहाँ पे जो आपकी एक्सपायरी होगी वो लगभग 17,000 के नीचे, लगभग यहाँ पे देखिए आपका कॉल ज्यादा है, सो कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो लगभग 79 है, तो इसका मतलब है 17,000 आपका रेजिस्टेंस है। सो 17,000 रेजिस्टेंस और नीचे अगर हम देखें तो 16,800 हमारा सपोर्ट है, तो 16,800 सपोर्ट और 17,000 का रेजिस्टेंस, हमें 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पे मिल जाती है। ओके, चलिए अब हम चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में हमें क्या मिलेगा, तो चार्ट में मैंने यहाँ पे 15 मिनट के कैश मार्केट के चार्ट को लगा रखा है। यहाँ पे मैंने आपके साथ लेवल्स दे रखे हैं, तो लेवल्स में ये रहेगा कि आप इसके पास आने पे बाइंग करोगे यहाँ पे जो कि आपका शुरू हो रहा है 16,874, लेकिन ये आपकी जो बाइंग हुई वो इंट्राडे के लिए होगी, वो पोजिशनली नहीं जा सकते। ओके, तो कैसे बाइंग करोगे 16,874 के पास आने पे, 874 की जगह पे आप अगर चाहते हो तो और ज्यादा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और इसको स्मूथ कर देता हूं, ये 16,864 मान लो। सो 16,860 के आसपास और 16,830 इसके बीच में आने पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके आप बाइंग करोगे, ऊपर 40-50 पॉइंट का मूवमेंट होगा और ऊपर टारगेट अगर लेना है तो 16,930 का टारगेट आप लेके चल सकते हो। ओके, 930 का टारगेट, तो आप इस रेंज में आने दोगे, 5 मिनट के चार्ट पे कोई बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो ही आप वहां पे जो है कि बाई करोगे, अदरवाइज बाई नहीं करोगे। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है बाइंग का रिवर्सल क्या होता है, तो ये देखिए बाइंग का रिवर्सल, जैसे यहाँ पे देखो एक दोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनी, ये होता है रिवर्सल, जिसको आप लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न के नाम से जानते हो, दूर बना है तो अबेंडेंट बुलिश बेबी से के नाम से भी जानते हो, बट आप इसको मॉर्निंग स्टार समझो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही टाइप के। यहाँ पे भी देखो आपका ये बन गया, तो आप कैंडल को क्लोज होने दोगे, देन उसके बाद अगली कैंडल में आप एंट्री करोगे तो आपका वो ट्रेड वहां पे बनेगा। ओके, और अगर रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप आने पे बाई कर लो, इसके लो का नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बट स्टॉप लॉस जो होगा वो एक कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो जाएगी वही वाला स्टॉप लॉस होगा, उसके पहले स्टॉप लॉस नहीं लेकेगा। ओके, तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो, और अगर सेफ प्ले करना चाहते हो तो रिवर्सल पे ही बाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऊपर हम सेल कर लेंगे यानी कि सेलोन राइज, तो सेलोन राइज हमारा जो होगा वो 16,980 का लेवल है, तो 980 से 17,015 तक का लेवल है, तो यहाँ पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट भी कैसे करेंगे, 5 मिनट पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे उसके बाद ही करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ओके, तो सेल तभी करेंगे और जब हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे कल का लो, और मतलब ये वाला लो जो कि है 16,920 और नीचे जाएगा तो ये वाला टारगेट रहेगा। सो ऊपर सेल नीचे बाई, यही हमारा फिलहाल प्लान है, और मार्केट इसके नीचे मतलब इसी बीच में कल के दिन ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है निफ्टी के कैश मार्केट का लेवल, मैंने आपको बताया। अब बैंक निफ्टी का लेवल देख ले, सो बैंक निफ्टी का लेवल भी ठीक वैसा ही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप सेम, बट यहाँ पे इसके लिए मैं 5 मिनट के डेटा पे चलता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर पता चल सके, क्योंकि बैंक निफ्टी में 15 मिनट में क्या होता है, बड़ी बड़ी मूवमेंट आ जाते हैं। सो आपको सेलिंग कहाँ पे करनी है, आपको सेल करना है
इसके नीचे। थर्टी नाइन फाइव थर्टी के पास आने पे आपको सेल करना है, इसके नीचे आपको सेल ऑन राइज रखना है। यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप शॉर्ट करोगे और आपका टारगेट जो होगा वो आज का लो, मतलब पिछले दिन का लो, ये वाला 39,300 रहेगा आपका यहाँ पे। तो ऊपर सेल ऑन राइज और नीचे बाय द डिप कहाँ पे हम करेंगे, सो बाय द डिप वाली जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो होगी इस जगह पे। जो कि है 39,120 से लेकर के 39,050, तो इस रेंज में आने पे हम यहाँ पे बाइंग का रिवर्सल देख करके बाइंग करेंगे। ओके, और लो इसी का मतलब जिस रिवर्सल पे हम बाई करेंगे उसका लो स्टॉप लॉस, और अगर कोई रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे आकर के बाई कर सकता है, उसका लो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 39,000 का स्टॉप लॉस लेकर के आप बफर कर सकते हो। और अगर सेफ प्ले करना चाहते हो तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी का नाम देता हूँ, आप वो भी कर सकते हो, जो कि है क्रेडिट स्प्रेड। ओके, तो क्रेडिट स्प्रेड में आप ये कर सकते हो, जैसे कि सिंपली अगर यहाँ पे आई तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच दो। ओके, एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच दो और उससे 200 स्ट्राइक ऊपर या फिर 300 स्ट्राइक ऊपर आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर लो। ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा, जो कि जिसको हम बेयर क्रेडिट स्प्रेड जानते हैं, ये चीज आप समझो। और यहाँ पे बुल क्रेडिट स्प्रेड, मतलब यहाँ पे आप एक पुट को बेच दोगे और पुट को बेचने के बाद उसके नीचे 200-300 पॉइंट नीचे वाला पुट आप एक बाई कर लोगे हेजिंग के लिए। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ये आपका सेफ रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी आएगी आप अगर उसको हैंडल नहीं कर सकते, सो बेटर है कि आप स्ट्रेटजीज लगा के चलो। तो सिंपली इस रेंज में आने पे आप यहाँ पे एक पुट बेचोगे, बट याद रखो पुट ऊपर वाला बेचना है और उसके नीचे वाला बाई करना है, मतलब नीचे वाली स्ट्राइक का पुट बाई करना है और ऊपर वाली पुट का मतलब ऊपर वाले का पुट बेचना है, ये चीज याद रखो। ओके, जहां पे भी आप करते हो, जैसे लेट से कि 39,053 आ गया, तो 39,000 का आप चाहो तो पुट बेच सकते हो और उसके नीचे 38,800 38,700 का पुट बाई कर सकते हो, तो ये आपका पुट क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। और ऊपर कॉल क्रेडिट स्प्रेड, मतलब कि भाई अगर यहाँ पे आई लेट से कि 39,500 पे, तो आप 39,600 का कॉल बेच दो, थोड़ा सा ऊपर वाला। ओके, 39,600 का कॉल बेच दो और 400 का या फिर 500 का आप उसको बाई कर लो, तो ये आपका एक क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। तो ये एक सही स्ट्रेटजी रहेगी, आप 4-5 लॉट में करने के लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए जैसी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको कर सकते हो, तो इजिली यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन जाएगा। वॉलिटिलिटी को आप अगर हैंडल नहीं कर सकते तब, लेकिन आप अगर नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो तो आप सिंपली जैसे कि यहाँ पे आप स्प्रेड भी बनाना चाहो, बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड, तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि डेबिट स्प्रेड होता है, या फिर आप अगर नेकेड प्ले करना चाहते हो तो नेकेड भी प्ले कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए, या तो स्प्रेड बनाइए या तो फिर मतलब क्रेडिट या डेबिट कोई भी स्प्रेड बनाइए, वो आप स्प्रेड बना के चलिए। ओके, और अगर आपको नहीं पता है कि भाई क्रेडिट डेबिट स्प्रेड क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइव किया था, उसमें मैंने इन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इसको जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके। ओके, चलिए, सो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको एक अपडेट है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो और आप मुझसे समझना चाहते हो कि ये सब जो स्ट्रेटजीज में मतलब जो डेटा देख करके ये सब जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो सब आप खुद से सीखना चाहते हो, सो आप मेरी अगली बैच जो कि 10 अप्रैल से चालू होगी, आप ये वीडियो देख करके उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने दे रखी है, तो आप उसको देखिए, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।